के। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ राजधानी लखनऊ में तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज सिंह मौजूद है, जो कि बख्शी तालाब विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नामांकन करके आए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ेंगे और आपकी जो पार्टी है, क्या नाम है पार्टी का और किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? मैं बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ, पंकज सिंह, पेशे से अधिवक्ता हूँ। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम क्षेत्र में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, सब किसानों की फसलें छुट्टा जानवर खाए जा रहे हैं। वकीलों के लिए किसी भी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की। जो स्कूल हैं स्कूल बंद हो गए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो गए। तो हम इन्हीं सब मुद्दों पर, विकास के नाम पे जीरो है, किसानों की लागत जो है फसलों में, गेहूँ की 19 रुपये लागत आ रही है और 18 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है, तो पूरा क्षेत्र, पूरी प्रदेश की जनता हाल बेहाल है। तो उसमें इस महंगाई को कम करने के लिए, क्षेत्र में विकास, बिजली पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी पार्टी का नाम क्या है? मेरी पार्टी का नाम राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी। कितने प्रत्याशी उतारे हैं पार्टी ने? आपको क्या लगता है कि कानून का जो राज है कौन सी सरकार दे सकती है? हमारे हिसाब से कानून का राज जो है राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ही दे सकती है, और मैं कानून का राज के बारे में जानता हूँ। मौजूदा सरकार है उसका सिस्टम बहुत ही, स्थिति उसकी खराब है, तानाशाही है। जो योगी सरकार है बिल्कुल तानाशाह बने हुए हैं। गायों को छुट्टा छुड़वा दिया है, गौशाला का बताया, प्रोजेक्ट बताया कि हर गांव के ग्राम पंचायत में गौशाला या न्याय पंचायत में गौशाला बनेगी, लेकिन कहीं कोई गाय गौशाला नहीं है। छुट्टा सांड, छुट्टा गाय किसानों को प्रताड़ित किए हुए हैं। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसको जेल में ठूस दिया जाता है, उसका इनकाउंटर कर देने की धमकी दी जाती है। एक इस सरकार का विकल्प सिर्फ राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आज बीजेपी के नामांकन किया है और लगातार इनका ये कहना है कि राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी समाज को जो है विकास की ओर ले जाएगी पार्टी, और जो मौजूदा सरकार है वो विकास के नाम पर अब तक कुछ नहीं कर पाई 5 सालों में। पार्टी हमारी आएगी तो सत्ता में तो विकास होगा। कैमरामैन तिवारी के साथ साहिद अली।